चाकू की नोक पर वक्त दंपति को बंधक बनाकर लूटा, घर में रखे सोने के गहने व नकदी की पार। मामला सायरा थाना क्षेत्र के देताकला गांव के रोहिणवाड़ा शहर का है, जहां पर भलाराम राजपूत के रहवासी कृषि कुएं पर देर रात अज्ञात चार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार भलाराम को रात्रि में चाकू की नोक पर बंधक बनाया, वहीं उसकी पत्नी को भी बंधक बनाकर घर में रखे सोने के गहने करीबन 2 किलो व 1.5 लाख की नकदी को पार कर लिया। जब भलाराम होश में आया तभी अपने पुत्रों को फोन पर सूचना दी, वहीं सायरा पुलिस को भी सूचित किया। सूचना पर अल सवेरे सायरा थाने की पूरी टीम मौके पर पहुंची व मौके से साक्ष्य जुटाए। वहीं मामले को लेकर जालोर SP ज्ञान चंद यादव भी मौके पर पहुंचे व मौके पर FSL टीम, डॉग स्क्वाड व मोबाइल यूनिट को बुलाकर विभिन्न साक्ष्य जुटाए गए हैं। वहीं अलग अलग टीमें बनाकर जगह जगह से CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं SP ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मामले को लेकर पुलिस की विभिन्न टीमें जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि मामले को लेकर अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। देखने वाली बात होगी कि मामले का पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सायला, जालौर। ये पूरा क्या मामला है और अभी तक इसमें क्या जांच हुई है? अभी इसमें आपको जैसे मौके पे देखा है कि ये बुजुर्ग बलाराम जी और उनकी वाइफ यहाँ सो रहे थे और इनके अंदर 2 कमरे हैं, उन दोनों कमरों में 4 लोग आए और आने के बाद में मकान खुला ही था, चाबियाँ इनके पास थी, मकान के अंदर गए, आवाज़ हुई, इनकी जाग हुई, जाग होने के बाद इनको धमकाया और ये चुप कर दिया तथा इनका बोले नहीं, इसलिए इनको एक आदमी ने इनको पकड़ लिया और इनके कपड़ा मुंह के ऊपर लगा दिया। अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति जो कि इस घटना से पहले यहाँ पर इनके यहाँ तरक्की की है या उसके को जानकार है, क्योंकि पास में 3 बड़े मकान उसमें नहीं आ गए जहाँ बुजुर्ग लोग सो रहे थे वहाँ है। इस पर हमारी अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। कुछ हमें अभी तक जो CCTV फुटेज की एक टीम काम कर रही है उसमें कुछ गाड़ियाँ अभी आई, उनको वेरीफाई कर रहे हैं और जो पहले काम कर रहे थे इनके यहाँ कलर का काम, पेंट का काम है और उन लोगों से भी हम लोगों को इनके जो मजदूरी कर रहे थे या यहाँ प्रहाली थे उन सबसे हमारी अलग अलग टीमें काम कर रही है। आधी जोड़ी बड़ी